आज इस वीडियो में हमारे पास है ओप्पो का रेनो 11 प्रो 5G। इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे इसी फोन के टॉप 65 प्लस टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर जिनका यूज करके आप इस फोन को काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे एंड शॉर्टकट तरीके से यूज कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि लॉक स्क्रीन पर आप 20 स्वाइप करते हैं फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। इसी तरह से स्क्रीन ऑफ होने पर स्क्रीन को ऑन करना हो डबल टैप कर दीजिए स्क्रीन ऑन हो जाएगी, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे हिडन फीचर्स फोन में आपको देखने को मिल जाते हैं जिनको आप ऑन कर सकते हैं। किस तरह से कहां पे कौन सा फीचर मिलने वाले हैं इन सभी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे इस फोन के सभी हिडन फीचरों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन की स्क्रीन पर आप दो एप्स को एक साथ यूज कर सकते हो, जैसे कि आप यूट्यूब एप्लीकेशन के साथ किसी दूसरे एप्स का यूज करना चाहें तो पहले किसी भी एक एप्स को ओपन करने के बाद थ्री फिंगर से इस तरह से अप कर दीजिए। बैकग्राउंड में आप किसी दूसरे ऐप्स को ओपन करा लीजिए तो आप देख सकोगे यहाँ पे आपको दो एप्लीकेशन एक साथ ओपन होने को मिल जाते हैं। किसी एक ऐप्स को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ क्लिक करके वो भी कर सकते हैं। आप चाहे ऊपर वाले को नीचे ये भी करना तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो भी आप सेलेक्ट कर पाओगे। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का भी फीचर देखने को मिल जाता है। अगर किसी भी एप्स का फ्लोटिंग विंडो यूज करना चाहते हैं तो रीसेंट बटन को प्रेस करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक कीजिए। अब आप देखोगे आपका ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। बैकग्राउंड में आप किसी दूसरे एप्स का भी यूज कर सकते हो, तो किसी भी एप्स को फ्लोटिंग विंडो में लाना चाहते हैं तो इस तरह से आपको क्लिक करना होगा। आप चाहें तो इसे पॉपअप में भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस तरह साइड पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपका पॉपअप में चला जाता है। इस फोन में आपको स्मार्ट साइड बार देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप बहुत सारे एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में ला सकते हैं एंड यहाँ कहीं पर भी आप उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इनको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए, यहाँ से इस तरह से इसको स्क्रॉल कर लीजिए, देखने को मिल जाएगा स्पेशल फीचर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्मार्ट साइड बार, इस पर क्लिक करके यहाँ से इस फीचर को एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। अब आपके फोन पे यहाँ पे कुछ एक लाइन आपको देखने को मिलने वाली है, इसको इस तरह से जब आप ओपन कराएंगे तो बहुत सारे आपको कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर स्क्रीन को रिकॉर्ड करना हो, स्क्रीन ट्रांसलेट करना हो, फाइल मैनेजर को ओपन कराना हो या फिर आप चाहें तो किसी भी फेवरेट एप्स को भी यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। एडिट आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। अपने फेवरेट एप्स को सेलेक्ट करने के बाद डन पर क्लिक कर दीजिए। अब किसी भी एप्स को आपको ओपन करना है तो यहाँ से आपको क्लिक करना होगा कि डायरेक्टली आपका फ्लोटिंग विंडो में ऑन हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके कहीं भी इसको मूव करा सकते हैं। आप चाहें तो इसे फ्लोर इस तरह से पॉपअप में भी ऑन करा पाएंगे। ये काफी अच्छा फीचर आपको देखने को मिल जाता है स्मार्ट साइड बार का इस फोन के अंदर, जो कि काफी यूजफुल भी है। आप इस फोन में काफी डिफरेंट तरीके से स्क्रीन शॉट बना सकते हो। इस फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन को आप एक साथ प्रेस करते हैं तो स्क्रीन शॉट आ जाएगा। इसके अलावा स्क्रीन पर थ्री फिंगर से डाउन करने पर भी स्क्रीन शॉट मिल जाता है। अगर आपको इस फोन में क्रॉप स्क्रीन शॉट चाहिए तो स्क्रीन पर थ्री फिंगर से होल्ड करके रखिए। अब आपको जिस एरिया का स्क्रीन शॉट चाहिए वो आप एरिया को सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, तो आप देखोगे आपका क्रॉप स्क्रीन शॉट कुछ इस तरह से देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप चाहें तो एडिट भी कुछ कर सकते हैं, किसी चीज को ब्लर करना हो तो आपको वो भी ऑप्शन मिल जाएगा। इस आइकन पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इसको सेव कर सकते हैं। इस फोन में आपको सर्कल टाइप स्क्रीन शॉट लेने का भी फीचर मिल जाता है, जिसके लिए स्क्रीन पर थ्री फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करके रखिए। अब आपको इस तरह का आइकन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, थ्री फिंगर से होल्ड करते हैं तो यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जिस एरिया का आपको गोल टाइप स्क्रीन शॉट चाहिए वो आप कुछ इस तरह सेलेक्ट कीजिए, इस आइकन पर क्लिक करके इसको सेव कर लीजिए। इसके अलावा एक और स्क्रीन शॉट का फीचर मिलेगा, जिसके लिए भी आपको थ्री फिंगर से स्क्रीन पर प्रेस एंड होल्ड करना होगा। इस आइकन पर क्लिक करने के बाद आप जिस एरिया का स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं वो आप फिंगर से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस फोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो चले जाइए लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में, एक नॉर्मली स्क्रीनशॉट को क्लिक कीजिए, यहाँ स्क्रॉल देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए। ये स्क्रॉल होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है, आपको कितना लॉन्ग करना है वो आप इस तरह से स्क्रॉल कराकर भी लॉन्ग कर सकते हैं। डन पर क्लिक करेंगे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह से आपका सेव हो जाएगा, डायरेक्टली आप यहाँ से शेयर भी इसको कर सकते हैं। इस फोन में एस लाइट का फीचर देखने को मिलता है। आपके फोन पे कोई भी कॉल या नोटिफिकेशन आती है तो साइड में एक लाइट आपको देखने को मिलती है, वो आप इस फोन में ऑन करा सकते हो। तो इसको ऑन करने के लिए इस फोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा वॉलपेपर एंड स्टाइल, इस पर क्लिक कीजिए। जिसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है एस लाइटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तीन अलग अलग कलर आप यहाँ पर देख पाओगे एस लाइट के, जो भी लाइट का कलर आपको अच्छा लगता है इसको यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए। अब कोई भी कॉल या नोटिफिकेशन आता है आपके फोन पे तो एस लाइट आपकी ऑन हो जाती है। आप इस फोन की स्क्रीन को काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि जो एप्स का शेप आप देख रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं, इनका कलर बदल सकते हैं। कंट्रोल पैनल में जो कलर आपको देखने को मिलता है इसका शेप का चेंज करना हो या फिर इसका कलर चेंज करना हो तो ये सभी आपको फीचर्स फोन में मिल जाएंगे। इसको कस्टमाइज करने के लिए इस फोन की सेटिंग को ओपन करने पर वॉलपेपर एंड स्टाइल देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए, आइकन्स पर क्लिक कर लीजिए। अब आइकन शेप आपको तीन डिफरेंट तरीके यहाँ पे पहले से ही देखने को मिल जाते हैं। मोर पर क्लिक करने के बाद डिफरेंट आइकन्स को भी आप सेट कर सकते हो, जो भी आइकन्स आपको अच्छा लगे। जिसके अलावा
इसका बैकग्राउंड कितना ज़्यादा होना चाहिए एंड कितना कम वो सेट कर पाओगे। आइकन का जो नेम है वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक और फीचर आपको मिलेगा जो कि डाउनलोड का, तो मोर के आइकन पर क्लिक करके आप मोर आइकन्स को डाउनलोड भी कर सकते हो जो कि न्यू अपडेट है ये। तो अभी तक आपको यहाँ पर सिर्फ तीन ही फीचर देखने को मिलते थे, अगर आप चाहें तो यहाँ से और भी यहाँ पे आइकन्स को डाउनलोड कर सकते हो। बैक बटन को प्रेस कर लीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा कलर, कलर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे फोन का जो कंट्रोल बार है यहाँ पे जो कलर आपको देखने को मिल रहा था वो चेंज हो चुका है। इसके अलावा इसका आप शेप चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बैक बटन को प्रेस कर लीजिए, आपको क्विक सेटिंग नजर आएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब आपको डिफरेंट तरीके के यहाँ पे जो फीचर है वो देखने को मिल रहा है, इनका शेप आप बदल सकते हो। जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको शेप देखने को मिलने वाला है। अगर आपको चाहिए इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करना तो यहीं पर आपको वो भी फीचर देखने को मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे जिनमें आप अपने इमोजी सेट करना चाहें, बैकग्राउंड में फोटो लगाना चाहें ऑलवेज ऑन के लिए, तो वो सब फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड बहुत सारे कस्टमाइजेशन भी मिल जाएंगे, जैसे कि आपने इसको सेलेक्ट किया यहाँ पर आप टेक्स्ट को सेट कर सकते हो, एंड यहाँ पे क्या क्या नोटिफिकेशन आपको शो कराना है वो सब सेट करना हो, किस एरिया में देखना चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा आपको कस्टमाइजेशन इस फोन में देखने को मिल जाएंगे ऑलवेज ऑन के, जो कि आप यहीं पर आके चेंज कर सकते हो। अगर फोन स्टाइल वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ पर आप उसको भी बदल सकते हो। इस फोन में आपको एंड्रॉइड सेट किया हुआ देखने को मिलता है। जब आप इस तरह से इनको एप्स को ओपन कराते हैं तो आपके सभी एप्स इस तरह से आते हैं। अगर आप चाहें तो सभी एप्सों को अपनी होम स्क्रीन पर यूज कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन कीजिए, साइड करने के बाद मोर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे होम स्क्रीन मोड पर क्लिक करेंगे और दोनों ही फीचर्स अब आपको मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड मोड एंड एंड्रॉइड। तो जो भी आपको सेट करना है ड्रॉवर या फिर स्टैंडर्ड मोड वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। स्क्रीन का पेज को चेंज करते समय आपको कोई भी यहाँ पे इफेक्ट वगैरह या फिर ट्रांजिशन वगैरह नहीं देखने को मिलता है, चाहे तो यहाँ पर इनको ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन कीजिए। यहाँ पे आपको ट्रांजिशन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे अब आपको अलग अलग तरह के स्क्रीन ट्रांजिशन देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे उसको क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए। अब स्क्रीन का पेज चेंज करते समय कुछ इस तरह का स्क्रीन पर इफेक्ट्स आपको देखने को मिलने वाला है। इस फोन में जब आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो उसका स्पीड कितना है उसके बारे में जानना हो तो इस फोन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट ये फीचर मिलता है, जिसके बारे में आप जान सकते हो, उसके बारे में पता कर सकते हो कितना स्पीड है। तो उसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको स्टेटस बार शो होगा, इस पर क्लिक कीजिए। रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को यहाँ से ऑन कर लेना है। अब आपके फोन में इंटरनेट का स्पीड कितना है वो स्टेटस बार में आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस फोन की बैटरी स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको इस तरह का स्टाइल देखने को मिल रहा है, इसको चेंज करने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करके स्टेटस बार पर क्लिक करना होगा। बैटरी स्टाइल पर क्लिक करके अब आपको अलग अलग यहाँ पे बैटरी स्टाइल मिल जाती है, जैसे कि वर्टिकल एंड लूप, जो भी आपको सेट करना हो वो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। अब आप देखोगे कुछ इस तरह का बैटरी स्टाइल आपको देखने को मिलने वाला है। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन कीजिए, साइड करने के बाद मोड पर क्लिक कीजिए। मोड पर क्लिक करने के बाद आपको डबल टैप टू लॉक देखने को मिल जाएगा, इस फीचर को ऑन कर दीजिए। कभी भी स्क्रीन को लॉक करना चाहते तो स्क्रीन पर डबल टैप कीजिए, स्क्रीन लॉक हो जाएगा। आप चाहें तो इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके ऑन भी करा सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए और यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए। आपको एडिशनल सेटिंग्स होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक कीजिए। स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करके आपको ये वाला फीचर डिसेबल मिलेगा, इसको ऑन कर देना है। अब आपको यहाँ पे ही देखने को मिल जाता है डबल टैप टू टैप बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इस फीचर को ऑन कर देना है। अब आप स्क्रीन को डबल टैप करके ऑन कर सकते हो, डबल टैप करके ही ऑन कर पाओगे। इस फोन की लॉक स्क्रीन होती है जब आप यहाँ पे बी को स्वाइप करते हो तो फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करा सकते हो। इसके अलावा आप ओ टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपका जो कैमरा एप्स है वो ओपन हो जाएगा। तो इन सभी फीचर को भी आप यहीं से ऑन कर पाओगे। जिसके लिए कैमरा एप्स को ओपन कराना है तो यहाँ पे इस फीचर को ऑन कीजिए। लॉक स्क्रीन होने पर ओ बनाना है आपको, फोन का कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। और भी फीचर आपको यहीं पर ही देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको म्यूजिक वगैरह कंट्रोल करना हो, आपकी लॉक स्क्रीन है उस पर ही आप गाने चला सकते हो विदाउट स्क्रीन को अनलॉक किए हुए। तो इसके लिए आप इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब लॉक स्क्रीन पे गाने को प्ले करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से डाउन करना है तो आपका गाना प्ले हो जाएगा। गाने को इस तरह से क्लिक करने पे नेक्स्ट कर सकते हो। गाने की प्रीव्यू आप यहाँ पर कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर ये सब फीचर दिखाए जाते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो किसी फेवरेट एप्स वगैरह को सेट करना चाहें तो वो भी कर पाओगे, जिसके लिए आप यहाँ से इस फीचर को ऑन करके गॉट इट पर क्लिक कीजिए।
फिर आपको इस साइट क्लिक कर लेना है। अब तीन अलग अलग फीचर आपको मिल जाएंगे अनलॉक कॉल एंड ओपन एप्स के। अगर आप ओपन एप्स पर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको वो सभी एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं जो कि इस फोन के अंदर है। किसी भी एप्स को आप लॉक स्क्रीन से ही कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कीजिए। अब जैसे कि ए पर आपने सेलेक्ट किया था क्रोम, तो ए पर आएंगे तो आपका डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से ही क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तीन अलग अलग फीचर मिल जाएंगे ए एम और डब्ल्यू के, जो भी आप चाहें यहाँ पर सेट कर लीजिए। आप इस फोन के रीसेंट बटन को प्रेस करते हो तो यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन आपके रीसेंट में होते हैं उनका जो कंटेंट है वो आपको शो होता है। अगर आप चाहें तो किसी का भी कंटेंट हाइड कर सकते हैं, जिसके लिए उसके ऊपर क्लिक करना है और हाइड कंटेंट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर इसका कंटेंट शो नहीं होगा। और जब आप क्लोज ऑल पर क्लिक करते हैं तो सभी एप्लीकेशन आपके क्लोज हो जाते हैं। तो किसी भी एप्स को आप लॉक करके भी रख सकते हैं, जो भी आपके लॉक हो जाएंगे वो एप्लीकेशन यहाँ से क्लोज नहीं होंगे। तो इस तरह से किसी भी एप्लीकेशन को आप लॉक भी यहाँ पे कर पाओगे। फोन में आपको डुअल एप्स का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आप चाहें तो फोन में डुअल एप्लीकेशन को बना पाओगे, जिसके लिए फोन की सेटिंग को ओपन करके एप्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे ऐप ओनर पर क्लिक कीजिए। जिन एप्स का सपोर्ट रहेगा इस फोन डुअल ऐप के लिए वो यहाँ पे आप देख पाओगे उनके लिए, और उसके ऊपर ही क्लिक करके उसको ऑन कर देना होगा तो इस एप्लीकेशन का डुअल ऐप ऑन हो जाता है। तो कभी भी डुअल ऐप्स यूज करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हो। इस फोन में आप किसी भी एप्लीकेशन का रीनेम कर सकते हो, जैसे कि आपका प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर को आप चाहें तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो इसके लिए इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए, इस आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अब आपको ये अपने नाम से शो कराना हो तो सिंपल इस तरह से आपको अपना नाम सेट करके सेव कर देना है। अब आप देखोगे आपके नाम से ही ये प्ले स्टोर आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस तरह से किसी भी एप्स का आप रीनेम कर सकते हो। इस फोन में आपको राइज टू वेक का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपने फोन को जैसे ही पिकअप करेंगे फोन का स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फोन को जैसे ही आप पिकअप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए। यहाँ से स्क्रॉल करने पर देखने को मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग, इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको देखने को मिल जाता है जेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक करेंगे राइज टू वेक वाले फीचर को ऑन कर दीजिए। अब आपका फोन में कुछ इस तरह से टेबल पर रखा होता है, जैसे आप फोन को पिकअप करते हैं फोन का स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस तरह यहाँ पे इस फीचर को ऑन करके रख लीजिए। यहाँ पर ही आपको कुछ और भी फीचर देखने को मिल जाते हैं स्मार्ट कॉल वगैरह के, तो उनको भी आप यहीं से ऑन करके यूज कर सकते हो। पहला फीचर रहेगा लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का। अगर आप इस फीचर को ऑन करके अलाउ कर देंगे सभी कंडीशन के लिए, तो आपके फोन पे कोई भी कॉल वगैरह आता है उसको आंसर करना चाहते हैं तो रिंग होते हैं फोन को कान की ओर ले जाइए, कॉल आपकी ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। दूसरा फीचर रहता है ऑटो स्विच टू ईयर रिसीव का। इस फीचर को ऑन करने पर आप किसी भी हैंड फ्री स्पीकर की कॉल ऑटोमेटिक रिसीवर में ला सकते हैं। तो करना क्या है, सिंपल हैंड फ्री स्पीकर को अपना फोन आपको अपनी कान की ओर ले जाना है, कान वाले स्पीकर में आवाज आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर मिल जाएगा, इसको ऑन कर देंगे तो आपके फोन पे कोई भी कॉल वगैरह आता है उसको आप म्यूट करना चाहते हैं उस कॉल को, तो फोन को फ्लिप कर दीजिए या फिर आपके फोन में फ्लिप कवर यूज है तो आप फ्लिप करके रख दीजिए, तब भी वो कॉल आपकी म्यूट हो जाएगी। इस फोन में आपको स्मार्ट कॉल के और भी एडवांस फीचर देखने को मिल जाएंगे जो कि एआई जेस्चर से आपको यहां पे मिलने वाले हैं। तो इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आंसर एंड म्यूट का कॉल का फीचर मिल जाएगा, जिसको आप यहां से ऑन कर दीजिए। अब किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं चलिए आपको वो भी बताते हैं। आप कॉल को आंसर करना चाहते हो तो सिंपल इस तरह से आपको करना है। अब आपको इस तरह से हैंड रखना है और इस तरह से क्लिक कर हाथ हैंड कर देना है, तो आप देखोगे आपके फोन की जो कॉल है वो ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। तो इस तरह से आप कॉल को आंसर करा सकते हो, वो भी फोन को विदाउट टच किए। इस फोन में एआई जेस्चर के अंदर आपको एक और फीचर मिल जाएगा इस कॉल अप डाउन का। तो यहाँ पे आप क्या है इस फीचर को ऑन कर दीजिए, आप अपने फोन को स्क्रीन को विदाउट टच किए अप एंड डाउन कर सकते हो। तो सिंपल करना क्या है, जैसे कि आपकी कोई भी स्क्रीन आपको पेज अप करनी है तो इस तरह से आप क्लिक करेंगे वो स्क्रीन अप हो जाएगी, डाउन करना है तो इस तरह से क्लिक करेंगे वो डाउन हो जाएगा। ये सब आपको 20 सेंटीमीटर की दूरी से 20 से 40 सेंटीमीटर की दूरी से ये करना है। तो आप यूट्यूब फेसबुक वगैरह पेज अप एंड डाउन करते हैं तो सिर्फ आप इस तरह से हैंड करते जाइए विदाउट टच की स्क्रीन को, तो वो सब आपके चेंज होते रहेंगे। इसके अलावा एक स्टेप और वापस आ जाइए, यहाँ पे आपको वीडियो का भी फीचर देखने को मिल जाता है। अगर आप किसी भी वीडियो को पुश वगैरह करना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ पे कंटेंट शो हो जाएगा जिसमें ये सपोर्ट रहता है, तो किसी भी वीडियो को आप इस तरह से पाम दिखाकर वीडियो को स्टॉप करा सकते हो। तो एआई जैसे इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं जो कि काफी डिफरेंट फीचर है एंड यूजफुल भी है, जिनका आप यूज भी कर सकते हो। इस फोन में आपको थ्री बटन नेविगेशन देखने को मिलेंगे, अगर आप चाहें तो इन्हें हटा सकते हैं लगा सकते हैं जेस्चर नेविगेशन। अगर आप जेस्चर नेविगेशन का यूज करते हैं तो काफी अच्छा भी फीचर आपको इस फोन में देखने को मिलने वाला है। तो उसको सेट करने के लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग को ओपन करके एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दोनों ही फीचर मिल जाएंगे। आपको अगर जेस्चर यूज करना है तो जेस्चर पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको स्विच टू प्रीव्यू वाले एप्स के लिए ऑन कर देना है। अब किसी भी एप्स को आप स्विच कर सकते हो जेस्चर की मदद से। हम गूगल क्रोम के अंदर है, अगर आप इससे पहले जिस एप्स का यूज
कर रहे थे उसमें जाना चाहते हैं तो सिंपल इस तरह से आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप किसी भी एप्स के अंदर इस तरह से स्विच कर सकते हैं। तो जैसर की मदद से ये आपको काफी अच्छा फीचर यहाँ पे मिलने वाला है जो कि आप यूज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल जाएगा वाइब्रेट ऑन नेविगेशन का। अगर इसको ऑन कर लेंगे तो फोन के बैक बटन वगैरह को आप यूज करते हैं नेविगेशन को तो आपका फोन वाइब्रेट भी हो जाता है। जब आप इस फोन के पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। लॉन्ग टाइम प्रेस करने पर अगर आप चाहते हो जो पावर मेन्यू रहते हैं वो सेट रहे तो आप उनको भी सेट करके रख सकते हो। इसको सेट करने के लिए फोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल कीजिए, एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पावर बटन का फीचर, इस पर क्लिक कर लेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको पावर मेन्यू के लिए सेट करना है। अब लॉन्ग टाइम प्रेस करने पर पावर ऑप्शन को आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ही आपको कुछ और भी फीचर मिल जाएंगे तो दो स्टेप को वापस आ जाइए। यहाँ पे आपको वन हैंडेड मोड देखने को मिल जाता है, इसको आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। इस फोन में जैसा नेविगेशन यूज होना चाहिए तो आप इस फोन को वन हैंडेड मोड पर कुछ इस तरह से ला सकते हैं। एक हाथ से आप बहुत आसानी से इस फोन का आप यूज कर पाओगे। तो इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड भी देखने को मिल जाएगा। एक स्टेप और वापस आ जाइए। अगर आपको इस फोन में स्क्रीन रिकॉर्ड वगैरह करना हो तो स्क्रीन रिकॉर्ड फीचर मिल जाता है जिसको आप यहाँ से सेट कर सकते हो। दोनों ऑडियो एक साथ रिकॉर्ड करा सकते हो। ये सब सेटिंग वगैरह आप यहाँ से आके कर पाओगे। इस फोन में फोटो और वीडियो को भी आप हाइड कर सकते हो, वो भी इस फोन के अंदर ही आपको ये सब फीचर मिल जाएंगे। इस फोन की गैलरी है, उस गैलरी को ओपन कीजिए जिसका नाम है फोटो। फोटो वाली गैलरी को आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको तीन फीचर देखने को मिल जाएंगे तो किसी एक के ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस करेंगे और यहाँ पे किसी भी प्राइवेसी पासवर्ड वगैरह को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी प्राइवेसी लॉक वगैरह सेट कर लेना है, जो भी आप सेट करना चाहें। जिसके बाद आप यहाँ देखोगे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है जिसमें आप नाम सेट कर दीजिए और इस आइकन पर क्लिक कीजिए। आप किसी फोटो या वीडियो को हाइड करने के लिए उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए, यहाँ पे देखने को मिलेगा सेट एज प्राइवेट, इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए, ये आपका हाइड हो जाता है। इसको एक्सेस करना चाहते हो तो यहीं पर आपको इन तीनों में से किसी एक के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करना है और अपना प्राइवेसी लॉक डाल के अब आप इनको एक्सेस कर पाओगे। इस फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट ऐप लॉक वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल कीजिए, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे आपको देखने को मिल जाता है ऐप लॉक, ऐप लॉक पर क्लिक करके ऐप लॉक कर पाओगे। ऐप्स को आप यहीं से हाइड कर सकते हो, प्राइवेसी सेफ वगैरह आपको यहीं से सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वाला वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। और भी अपडेट में ऐसे नए नए फीचर आपको मिलेंगे इस फोन के अंदर जिनके बारे में आपको इस चैनल पे ही पता चलेगा। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। नए नए अपडेट कब कब मिलने वाले हैं, कब कब अपडेट में क्या क्या फीचर मिलेंगे, कौन सा अपडेट कब आने वाला है, ये सब आपको इसी चैनल पे पता चलेगा। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।